दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो फिर है रोहित के छक्के पे छक्का। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। पिछले जो दो मैच है ना, वो भी हम छक्का मार के जीते हैं, और इस बार भी छक्का मार के ही जीते हम। हाँ सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानना पड़ेगा रोहित भाई आपको, आप तो सुपर ओवर के सुपर हीरो निकले। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से शमी ने मैच को बचाया और रोहित ने मैच को जिताया। हाँ सही कहा, शमी भाई तेरी वजह से हम मैच जीत पाए। कमाल की बॉलिंग की तूने। हाँ भाई लास्ट ओवर में तूने तो टेलर की सिलाई को उधर दिया। तभी तो मामला सुपर ओवर तक चले गया और मैं सुपर हीरो बन गया। कितने मेहनत से केन भाई ने इतने सारे रन बनाए, लेकिन फिर भी सुपर ओवर ने काट दिया ना उसका। सुपर ओवर खेलना पड़ेगा ये पता नहीं था उसे। हाँ और सुपर ओवर में उनका हमेशा कटता है, जैसे वर्ल्ड कप में कटा था। भाई मेरी जीरो बनाने की परंपरा खत्म हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड की सुपर ओवर में हारने की परंपरा शुरू हो गई। हाँ भाई ये परंपरा कभी खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है। बुमराह भाई इस बार तू गुमराह हो गया, लेकिन शमी ने मामला बचा लिया। वो तो भाई मेरा नाम ही है बुमराह, तो हो जाता हूँ मैं कभी कभी गुमराह। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है विकेट कीपिंग तो मैं सीख गया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि फास्ट बॉलिंग भी सीख लूँ यार। ए राहुल भाई क्या क्या सीखेगा यार, रहने दे भाई, हमारे पेट पे लात मारेगा क्या? जब भी राहुल भाई विकेट कीपिंग करते हैं ना, तो मुझे धोनी भाई की याद आती है। तुझे माही भाई की याद आती है, मतलब तू माही भाई को विसरता है, भूल जाता है ना तू। हाँ इसलिए तुझे माही भाई की याद आती है। हाँ भाई याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं, और माही भाई को हम भला कैसे भूल सकते हैं। चहल भाई भूल गया भाई, मेरी बात का मकबल ये नहीं है। अरे तू तो सीरियस हो गया, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन कल की मैच तो हम हार ही गए थे बस, इसलिए तो हम बाजी करे मुन्ना, हम हारी हुई बाजी को जीत जाते हैं। मैंने केन विलियमसन को बोला था कि इस बार मौका मिला है जीत जा, हर बार नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाया। अब उनको सिर्फ टॉस पे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका सिक्का हमेशा उनका साथ देता है, उनका सिक्का खोटा नहीं है। अब सीरीज तो हमारी हो गई, आगे के दो मैच भी हमें जीतना है। रोहित भाई आप ऐसे कैसे पेल देते हो, कोई चूरन खा के आते हो क्या? देख भाई मेरा सरनेम शर्मा है, लेकिन मैं छक्के मारने को शर्माता नहीं। वैसे हमारे जीत में थोड़ा बहुत योगदान टेलर और गुप्तिल का भी है, क्योंकि टेलर ने लास्ट बॉल पे गड्ढा कर दिया और गुप्तिल ने सुपर ओवर में। नसीब नसीब की बात है मुन्ना, अब सुपर ओवर उनके नसीब में नहीं तो क्या करे। बद नसीब है जो नसीब लेके पैदा होते हैं। वाह 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 भाई पूरा बोलने दो। अच्छा बोल बोल। बद नसीब है जो नसीब लेके पैदा होते हैं, क्योंकि इस घोर कलयुग में पैदा होना भी बद नसीबी है। तू एक काम कर, बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर, तेरे नसीब खुल जाएंगे। हाँ तू इसमें अपने क्रिकेट के नॉलेज से पैसे कमा सकता है। इसमें तू कोई भी मैच की प्लेइंग 11 टीम बना के लीग ज्वाइन करके पैसे कमा सकता है। और फोर्थ T20 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए मेगा लीग ज्वाइन कर सिर्फ 49 रुपीज में। इसमें तू 10 लाख तक जीत सकता है। मैच शुरू होने के 3 घंटे पहले शुरू करेगा तो 50% बोनस यूज कर सकता है तू। बाजीगर 1 लाख में सिर्फ 10 रुपए में एंट्री करके 1 लाख तक कमा सकता है तू, और विनिंग अमाउंट इजीली अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। दोस्त को रेफर करेगा तो 100 रुपए मिलेगा, और साइन अप बोनस 100 रुपए के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर। अभी डाउनलोड कर मुन्ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ भाई करता हूँ। देवा रे देवा फुटली किस्मत है रे माई, कोणाला नाही भेटली पाहिजे अशी तिच्या मायला। हाँ भाई हमें ये सुपर ओवर नहीं खेलना चाहिए था, वर्ल्ड कप की यादें ताजा हो गई। हाँ भाई बस 5 रन चाहिए थे मुझे सेंचुरी के लिए, ना मैं सेंचुरी बना पाया ना जीत पाया। भाई सारी गलती इस गप्तिल की है, इसने सुपर ओवर में गड्ढा किया, वरना 1 विकेट मिल जाती तो जिंदगी झिंगा लाला हो जाती। इधर झंड हो गई जिंदगी और तू झिंगा लाला की बात कर रहा है। कभी कभी लगता है कि मेरे किस्मत में सिर्फ टॉस जीतना लिखा है, मैच नहीं। भाई ये टेलर की वजह से हारे हम, वो लास्ट ओवर में 1 रन बना लेता तो जीत जाती ना। ऐसा क्या इतना आसान है क्या? लेकिन संदीप महेश्वरी कहते हैं ना आसान है। तो फिर आप क्यों नहीं जीत पा रहे हो आसानी से? वो तो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो फिर शमी के बॉल पे मारना भी डिफिकल्ट काम है। इससे अच्छा मैं होता तो लास्ट बॉल पे छक्का मारता, सुपर ओवर की नौबत ही नहीं आने देता। मेरे हिसाब से सारे किए किराए के मकान पे टीम सऊदी ने पूरा पानी फेर दिया। हाँ सुपर ओवर में उसका ट्यूबलाइट टीम टीम हो गया, अब ये तो सीरीज गई हाथ से। भाई हाथ में आई कब दी, जो हाथ से जाएगी। हाँ भाई भाई एक ही बात है, एक ही बात नहीं है भाई, अलग अलग बात है। गुप्तिल भाई तू बोलता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। भाई मैं हार्दिक पांडे हूँ जो करूंगा कुछ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, और बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।